हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिली वाइन थ्रोन की एक नई नॉवल एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गोल्डन डीमन यूए के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसका फॉरबिडन स्पेल कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद वो उसका यूज करके सभी डीमन्स को बीच से ही चीर देती है। वहीं इसके बाद हमें दिखाया गया था उस स्पेल को यूज करते हुए यूए काफी कमजोर पड़कर नीचे गिर गई थी, क्योंकि उस स्पेल को यूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। और अब आगे नॉवल की शुरुआत में हम देखते हैं उस अटैक से वहां पर कुछ पल के लिए शांति हो गई थी। तभी एक बंदा लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है, कैप्टन अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पे लॉन्ग हाउ चैन उनको लीड करते हुए कहता है, फॉरबिडन स्पेल के अटैक से डीमन काफी कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द अटैक करके उन्हें खत्म करना होगा। अब ये सुनकर डीमन हंटिंग स्क्वाड एक बार फिर से उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर गोल्डन डीमन भी अपना किलिंग इंटेंट दिखाते हुए उनसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था, जहां हम देखते हैं फाइट के दौरान दूसरी डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर लुक्जी लॉन्ग हाउ चैन और हाउयू एक एनर्जी से हील करे जा रहा था, जिससे कि वो एक के बाद एक सारे डीमंस को खत्म करते जा रहा था। वहीं हाउयू भी उन डीमंस पर आइस बीम से अटैक करके उन्हें मार रहा था। अब यहां नॉर्मल डीमन के साथ साथ गोल्डन डीमन भी उन्हें टक्कर नहीं दे पा रहे थे, जिससे वहां पर बहुत से डीमंस मारे जाते हैं। और उधर सायर भी अपनी असेसिन किलिंग पावर्स की हेल्प से गोल्डन बर्ड डीमन को मार देती है और उसकी बॉडी को लिंशिन के पास फेंक देती है, ताकि वो उसकी बॉडी को मैजिकल रिंग में स्टोर कर ले। जिसके बाद वहां पर माहौल थोड़ा शांत हो गया था, जो देखकर यूए सबको कहती है इससे पहले कि वहां और डीमंस आए उनको जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। जो सुन लॉन्ग हाउस चैन के साथ और बाकी सब कैरियज में बैठकर वहां से निकल जाते हैं कि तभी उन लोगों को 10,000 डीमंस घेर कर उन पर अटैक कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि एग्जेसिव टर्बुलेंस से अगल बगल के माउंटेन से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जो देख लॉन्ग हाउ चैन और सायर सभी को वहां से निकलकर ऊपर की तरफ भेजने लगते हैं, जिसमें चेरी चैन ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तभी सायर और लॉन्ग हाउ चैन उसका हाथ पकड़कर ऊपर फेंक देते हैं, जिसपे चेरी चैन को उड़ने में बहुत मजा आ रही थी और वो कहती है, आज मुझे पता चला बिना पंख के कैसे उड़ा जाता है। अब उधर लिनशिन और सीमा शियान भी किसी तरह उन पत्थरों से बच रहे थे, जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग उन डीमन से लड़ने के लिए रेडी ही थे कि तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और उसमें से काफी खतरनाक डेविल ड्रैगन बाहर आने लगते हैं, जो देख वो लोग काफी घबरा गए थे। यहां उन ड्रैगन्स की संख्या लगभग 2000 के आसपास थी, जिसमें से कुछ 8 लेवल तो कुछ 9 लेवल के ड्रैगन थे। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि उनमें से कुछ ड्रैगन की इनेट स्पिरिचुअल पावर लगभग 30,000 के ऊपर थी, जो कि एक ह्यूमन या डीमन के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। मगर वो ड्रैगन कारवां पर अटैक नहीं करते, बल्कि उन डेविल ड्रैगन को देखकर नीचे खड़े नैरिक प्रोविंस के डीमंस भागने लगते हैं। यहां तक किसी भी डीमंस की हिम्मत नहीं कर रही थी कि वो ड्रैगन के सामने कारवां पर अटैक करें। अब ये सब देखकर कारवां को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। तभी लॉन्ग हाउ चैन सबको कहता है, अगर उनको यहां से बचना है तो उनको कैरियज की स्पीड दुगनी करनी होगी। उसके इतना कहते ही वो लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन को देख यूए लेंग शियाओ से पूछती है, क्या ये लोग तुम्हारे गार्डियन हैं? जिस पे लेंग शियाओ जवाब देते हुए कहती है, नहीं सिस्टर, मैं इन्हें नहीं जानती और इनका ऑरा भी मेरे क्लैन के लोगों से नहीं मैच करता। इतना कहते ही वो दोनों काफी सोच में पड़ गई थी, आखिर ये इंसान कौन है जो हमारी मदद कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं चेरी चैन का पिग नेचर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पावर लेवल को इन्वॉल्व करने लगता है, जिसके साथ साथ वो सारे डेविल ड्रैगन को भी वहां से गायब कर देता है, जो देख चेरी चैन और कारवां के लोग काफी सरप्राइज थे। तभी उन्हें पता चलता है कि वो पोर्टल और डेविल ड्रैगन एक छलावा था, मतलब कि ये उस पिग की मिस्टिक मिरर इमेज टेक्निक थी और ये सभी डेविल ड्रैगन एक इल्यूजन थे। अब वो पोर्टल फॉर्म करके वो डीमन को डराकर वहां से भगा पाए। साथ ही साथ हम देखते हैं उसके पिग का इवोल्यूशन बाकी सारे मैजिकल बीस्ट से काफी ज्यादा पावरफुल था, जो देख फोर्थ डीमन हंटिंग स्क्वाड की एक समनर जलन में कहती है, आखिर इस यूजलेस लड़की के पास इतनी पावर्स कैसे आ गई और अगर इसने ये पावर
बस पहले ही इस्तेमाल कर दिया होता तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर बात करें सबकी, तो वो चेरी चैन के लिए काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि चेरी चैन के समनर ने पहली बार इतना खतरनाक अटैक करा था। और फिर 2 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद वो सभी एक जंगल में थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं, जहां उन लोगों को फाइट के दौरान काफी चोट आई थी, इसलिए हेनियो और लुक्सी अपनी हीलिंग एबिलिटी से सबको हील कर रहे थे। वहीं हमें पता चलता है डियान यान के अंकल इससे पहले कारवा के चीफ गार्ड थे, जो एक मिशन के दौरान डीमन द्वारा मार दिए गए थे, इसलिए उसका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था। लॉन्ग हाउ चैन एज अ कैप्टन दोनों डीमन हंटिंग स्क्वाड को बता रहा था उन लोगों ने डीमन टेरिटरी का 200 किलोमीटर का रास्ता पार कर लिया है और कुछ दूर चलने के बाद वो सभी इस प्रोविंस के फ्रंट एरिया में पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि पुरानी फाइट में उन्होंने डीमन कमांडर को मार गिराया था। और तभी हम देखते हैं यूए लॉन्ग हाउ चैन को उनकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, साथ ही साथ उससे पूछती है कि इससे पहले मैंने तुम लोगों को नहीं देखा, आखिर तुम लोग कौन हो? जिसपे लॉन्ग हाउ चैन बस अपना नाम बताता है। तभी लॉन्ग हाउ चैन का हैंडसम फेस और लुक देखकर यूए उसको प्यार से देखने लगती है और पूछती है क्या मैं तुम्हारी एज जान सकती हूँ? जिसपे लॉन्ग हाउ चैन ये सब बताने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो। मगर यूए बहुत ही होशियारी से उनसे कहती है मेरे कारवां के लिस्ट में लॉन्ग हाउ चैन नाम का कोई बंदा नहीं है, इसलिए तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? इतना कहते ही वो धीरे से अपना हथियार निकालने लगती है। तभी लॉन्ग हाउ चैन उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हुए कहता है खबरदार अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो। लॉन्ग हाउ चैन को स्वॉर्ड पॉइंट करता देख लेंग शियाओ गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सिस्टर पर स्वॉर्ड पॉइंट करने की? इतना कहते ही वो उस पर अटैक करने वाले थे कि तभी बीच में शायर आकर उसके अटैक को डिफेंड कर लेती है और जवाब में उस पर अपने हथियार से हमला करके उसे नीचे पटक देती है। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन यूए से कहता है मुझे पहले ही शक था कि तुम भी एक डीमन हो, क्योंकि तुमने वो फॉरबिडन स्पेल मून डीमन गॉड की हेल्प से कंप्लीट करा था और इससे ये साफ पता चलता है कि तुम मून डीमन की मेंबर हो। जिसपे यूए कहती है भले ही मैं डीमन क्लैन की हूँ लेकिन मैं डीमन नहीं हूँ, जहाँ उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था। तभी यूए उनको यकीन दिलाने के लिए अपनी उंगली पर एक कट मारती है, जिससे उसकी उंगली से रेड कलर का खून निकलने लगता है, जो देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि किसी भी डीमन का खून रेड कलर का नहीं होता। और इन सबके दौरान यूए ने लेंग शियाओ को बेहोश कर दिया था, ताकि वो नहीं चाहती थी कि ये सब उसको देखना पड़े, क्योंकि लेंग शियाओ उससे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद यूए उससे बताती है कि उसके अंदर डीमन और ह्यूमन दोनों का ब्लड है, क्योंकि उसके डैड एक डीमन थे और मॉम ह्यूमन थी, इसी वजह से उसने मून नाइट चैम्बर का प्रेसिडेंट बनने का डिसीजन लिया, क्योंकि उसे मून डीमन क्लैन का प्रेसिडेंट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। साथ ही साथ वो लॉन्ग हाउ चैन को बताती है कि कुछ समय में उसके क्लैन के लोग यहाँ आते होंगे, अगर उन्होंने लॉन्ग हाउ चैन और बाकी साथियों को देख लिया तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद यूए उनसे डील करते हुए कहती है अगर उन्होंने उन दोनों को वहां से जाने दिया तो इसके बदले में वो एक मैजिकल ट्रेजर देगी, जिससे उन लोगों का ऑरा एक डीमन की तरह हो जाएगा और उन्हें वो सब नहीं पहचान पाएंगे। अब ये सुन लॉन्ग हाउ चैन इस डील के लिए मान जाता है, लेकिन वहीं सायर को अभी भी उन पर शक हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यूए के चेस्ट में एक मैजिकल नीडल घुसा देती है, जिससे यूए को काफी पेन होने लगा था, और उससे कहती है आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया? जिसपे सायर उसे बताती है मैंने तुम्हारे अंदर एक मैजिकल पिन को इंजेक्ट कर दिया है, इसलिए अगर तुमने हमारे साथ चीटिंग करने की कोशिश भी करी तो ये नीडल एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे तुम मारी जाओगी। ये सुन यूए काफी शॉक थी और उसको भरोसा दिलाते हुए कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जिसपे सायर कहती है यही तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि इस नीडल को बस वही निकाल सकती है, ना कि कोई और हाई लेवल का डीमन गॉड। अब यहां तो सायर ने उस बेचारी के सीने में नीडल इंजेक्ट कर दिया था, मगर दर्द मुझे हो रहा है। खैर ये सब तो मजाक की बात है। और फिर तभी हम देखते हैं वहां पर मून डीमन क्लैन के किंग मतलब हमारे ससुर जी आ जाते हैं, जिनके आते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना तो जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।